पुणे से 75 किलोमीटर दूर थोरांडले गांव में रवि पंडित बुधवार की शाम को अपने 4 से 5 दोस्तों के साथ खेल रहा था। बोरवेल उसे दिखाई नहीं दिया और सीधा 200 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। रवि के पिता मजदूर हैं, जो पास ही बन रहे सड़क पर काम कर रहे थे। स्थानिकों ने सबसे पहले बच्चे की पुकार सुनी, उसके बाद ग्रामीणों को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने बिना वक्त गवाए पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। रात 8 बजे के करीब एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जिस जगह पर यह बोरवेल बना था ग्रामीण इलाका है। खेत में बोरवेल बनाया गया था जिसे महज एक कपड़े से ढका गया। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन रात को शुरू किया जो सुबह 9 बजे तक चला, जिसके बाद जाकर रवि को सही सलामत बाहर निकाला गया। हालांकि रवि ने बहादुरी दिखाई और लगातार वो अपने पिता और रेस्क्यू टीम से बात करता रहा। बीच बीच में रोता और चिल्लाता पर हार नहीं मानता, बस पानी मांगता रहता और पीता रहता। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आलोक कुमार के मुताबिक बोरवेल गहरा था और बच्चा 10 से 12 फीट पर फंसा था। पत्थर होने की वजह से धीरे धीरे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था जिससे कि बच्चे को कोई चोट ना लगे। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा जरूर चला, उसकी वजह थी बच्चे की सलामती। जैसे ही रवि को बाहर निकाला गया, उपस्थित परिवार और गांव वालों में खुशी की लहर फैल गई। रवि को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है।